चलिए भैया। कहता है सबकी आत्मा एक है, वो देख वो भैंसा। ले आओ इधर, तेरी ही तरह उस भैंसे का नाम भी ज्ञानू है। ज्ञानू तो क्या तेरी और उसकी आत्मा एक ही है? भला ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी और उसकी आत्मा एक ही है, ये तो अटल सत्य है। अच्छा तो ये बात है, फिर जैसे तू बोलता है वैसे इस भैंसे से भी बुलवा दे, तब मैं मानूंगा कि तेरी और इस जानवर की आत्मा एक ही है। उसकी मेरी आपकी सबकी आत्मा एक ही है, आप स्वयं देख लीजिए। ओम सहस्र शीर्षा। अरे वेद मंत्र बोलने का अधिकार तुझे किसने दिया? तू हमारे वेदों को भ्रष्ट कर देगा क्या? परमात्मा की प्रार्थना करने का तो सबको अधिकार है। ओम सहस्र हम तुझे आज्ञा देते हैं कि वेद मंत्र का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल। शीर्षा पुरुष ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्र पाद ृत्वाशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यं कृतामृतत्वशेषानो यदन्नैनातिरोहति एतामानस्य महिमा तोज्यायांश पुरुषः आदोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदैत्यूर्ध्वः आदोसेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् सा चनानशने अभि। क्षमा क्षमा ज्ञानदेव क्षमा, हम मूर्ख आपको पहचान नहीं सके। आप बच्चे होकर भी सच्चे ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मणों का केवल वेश बनाए हुए हैं। चलिए